नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले के बैडाली तहसील में हाडोस कैंप ग्रामीणों ने उचित मांग को लेकर तहसीलदार को एक आवेदन पत्र सौंपा है, जिसमें लोगों की मांग है कि 8 कक्षा को अनुमति मिल जाए। साबरकांठा जिले के वडाली तहसील के हाडोस कैंप ग्रामीणों ने उचित मांग के साथ शुक्रवार को तहसीलदार साबिर श्री को एक आवेदन पत्र सौंपा, जिसमें हाडोस कैंप प्राथमिक स्कूल 1984 साल से अस्तित्व में है और जया बख्शिश पंज स्कूल में 100% क्षेत्र है। कक्षा 3 बनाया गया है। गुजरात सरकार के परिपत्र के अनुसार 30 से कम संख्या वाले वर्गों को बंद करने के लिए एक आंदोलन है। जब इनमें से किसी भी माता पिता के बच्चे आत्मनिर्भर स्कूल नहीं आते तो स्टैंडर्ड 6 और 7 को जारी रखने और स्टैंडर्ड 8 कक्षा को तुरंत अनुमति देने की मांग की है। कक्षा 8 की संख्या उपलब्ध है। गांव के वंजारा सेधा भाई, कुशणा भाई के साथ साथ गांव के नेता भी मौजूद थे और वैडाली तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खेमराज दान गढ़वी मौजूद थे। गाँव वालों ने गांधी चिंदिया के रास्ते में आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी। संयुक्त रूप से आवेदन पत्र में जमा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले के वडाली तहसील के गांव हठो छावनी के ग्रामीणों ने आज वडाली मामलतदार साहब को दिया आवेदन पत्र और स्कूल को लेकर की उग्र मांग। आज रोज मामलतदार साहब वडाली अने मेहरबान तालुका शिक्षणाधिकारी वडाली नाओ ने हठोद छावणी प्राथमिक शाळा में धोरण 6-7 चालू राखी धोरण 8 ना वर्ग ने मंजूरी तेमज वडाली तालुका में प्राथमिक शाळाओ बंद करवा बाबते हठोद गाम छावणी ना ग्रामजनों बहनों अने बधा मळी आवेदन पत्र आपीए छीए अने सने 1984 थी हठोद प्राथमिक शाळा अस्तित्वमां आवेली छे। त्यां 100% वस्ती बक्षीपंतनी छे। गरीब वर्गना माणसो छी અને જ્યારે કોંગ્રેસ સરકાર વખત એક સંખ્યા હોય તો એ શાળાઓ ચાલુ રાખવાનો અભિગમ રાખેલો હતો। આજની આ ભાજપ સરકારે પરિપત્ર કરીને 30-89 સંખ્યા હોય એક વર્ગમાં તો તમામ શાળાઓ બંધ કરવાની છે, આ રીતનો જે અભિગમ અપનાવેલો છે। હઠોદ પ્રાથમિક શાળા ચાલુ રાખવા માટે ગામના પૂર્વ સરપંચ સેધાભાઈ કૃષ્ણાભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય નિલેશભાઈ અને ધારાસભ્ય શ્રી હિતુભાઈ કનોડિયા સાહેબને અને લાગતાવળતા અધિકારીઓને લિખિત જાણ કરવા છતાં ધોરણ 8ની સંખ્યા પૂરતી હોવા છતાં અમને મંજૂરી મળતી નથી અને 6-7ના વર્ગો બંધ કરવાનું સરકારે ઉપરથી નક્કી કરેલ છે અને સરકારશ્રી જિલ્લા પંચાયતો અને માતા બાળક જિલ્લા પંચાયત પણ સરકારશ્રીનો પરિપત્ર છે અને તેના કારણે આ શાળાઓ બંધ થાય છે અને આ શાળાઓ બંધ કરવાથી સરકારનો જે પ્રાઇવેટીકરણ થયેલું છે અને એ જે ભાજપના નેતાઓ છે એમની સ્કૂલો આવેલી છે અને એ બાળકો એમની સ્કૂલમાં જાય એ માટે આ સરકારશ્રી શાળાઓ બંધ કરવાનો હેતુ સર છે અને આ ગામના જો આ 6-7 વર્ગ ચાલુ નહીં રાખવામાં આવે, ધોરણ 8 ચાલુ નહીં કરવામાં આવે તો આખું ગામ પડતાલ ઉપર મામલતદાર કચેરી આગળ આગળી 10 દિવસમાં બેસશે। એટલે અમારા ધોરણ 6 અને 7 અને વર્ગ 8ની મંજૂરી આપવામાં આવે એવું સરકારશ્રીને વતી મામલતદાર સાહેબ અને શિક્ષણ અધિકારી વડાલીને આવેદન પત્ર આપે છે। એટલે અમારી રજૂઆત સરકાર સુધી પહોંચાડજો। એકતા કા રાજ ચલેગા, હિન્દુ મુસ્લિમ સાથ ચલેગા। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन।
प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।